वेलकम फ्रेंड्स, मैं डिजिटल ग्राफिक मोहित भट्ट। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे किड्स स्कूल पम्पलेट डिजाइन या ब्राउजर डिजाइन। तो आइए शुरू करते हैं आज की डिजाइन। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो साइज लेंगे, प्रिंटिंग साइज जो होता है हमारा 1/8 होता है, जिसकी साइज हम इंचेस में लेने वाले हैं, 5.5 और 8.5। और ये हमने कुछ डिटेल और पिक्चर्स हमने टाइप कर लिया और डाउनलोड कर लिया, जिसके यूज से आज हम पम्पलेट डिजाइन करने वाले हैं। तो आइए विदाउट किसी डिले वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड डिजाइन करेंगे। बैकग्राउंड डिजाइन करने के लिए हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और रेक्टेंगल का साइज भी हम 5.5 कर देंगे। एंटर प्रेस करेंगे और कीबोर्ड से पी प्रेस करेंगे तो ये हमारा सेंटर में अलाइनमेंट हो जाएगा। उसके बाद हम इसका बैकग्राउंड के लिए सर्कल इस टाइप से कुछ सर्कल ड्रॉ करेंगे और इसका कॉपी कर देंगे। इसको माउस से ड्रैग करेंगे और यहाँ पर हम बगल में जितना हमें अच्छा लगेगा, यहाँ कुछ अच्छा लग रहा है यहाँ हम ड्रॉप कर देंगे। माउस का राइट बटन क्लिक कर देंगे और इसका कॉपी हो जाएगा। देन हम कीबोर्ड से कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और इसका डुप्लीकेट हम कर लेंगे। ओके, इसके बाद फ्रेंड हम स्मार्ट फील टूल सिलेक्ट करेंगे और स्मार्ट फील टूल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ हम फिल कर देंगे। इसके बाद इस सारे सर्कल को हम डिलीट कर देंगे। इसके अंदर हम कलर नन कर देंगे और इस एरिया को हम क्रॉप कर लेंगे। इंटर प्रेस करेंगे, ये हमारा क्रॉप हो जाएगा। इसके बाद में हम एक यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे एक यहाँ और एक यहाँ। ओके, और इसमें हम कलर फिल करेंगे स्मार्ट फिल से। ओके, बाहर से हम ये क्लिक करेंगे और इसको हम डिलीट कर देंगे। सॉरी, बाहर से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और आल्ट के साथ इसको माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे और ये हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। इसको हम डिलीट कर देंगे। इसका जो कलर हम करेंगे येलो कर देंगे और इसका हम वाइट, इसका स्यान कर देंगे और इसका मजेंटा, मजेंटा फैमिली से थोड़ा सा डार्क। ओके, और सारा हम बाहर से माउस लेफ्ट क्लिक करते हुए ड्रैग करेंगे और छोड़ देंगे। ये सारा हमारा सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ हम नन वाले पर माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और सेट आउटलाइन कलर पर क्लिक कर देंगे तो हमारा इसका आउटलाइन क्लियर हो जाएगा। ओके, पॉलीगॉन टूल को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्ट कमांड वाई है। कीबोर्ड से अगर हम वाई प्रेस करते हैं तो भी हमारा पॉलीगॉन टूल सिलेक्ट हो जाता है। इसके अगर आपका 4 या 5 रहेगा, जो भी रहेगा, यहाँ आप 6 कर देंगे, इसके 6 पॉइंट कर देंगे कुछ इस टाइप से, या सॉरी 6 हमें अच्छा लग रहा है। ओके, और हम इस टाइप से कुछ यहाँ पर इसको सेट कर लेंगे। कंट्रोल सी से हम इसको सेंटर में कर लेंगे और ओके, और इसका कलर जो करेंगे हम मजेंटा से ही डार्क मजेंटा करेंगे। ओके, आउटलाइन इसका भी नन कर देंगे और इसका एक छोटा सा
ओके तो प्रिंट छोटा करने के लिए हम नॉर्मल कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करेंगे, एक पॉइंट माउस से हम यहाँ से इसको पकड़ेंगे और अंदर की तरफ से थोड़ा सा ले आएंगे और राइट क्लिक कर देंगे, ये हमारा कॉपी हो जाएगा और इसका कलर हम चेंज कर देंगे। ओके, इसको हमने मैजेंटा कर दिया, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब इसमें हम जो हमारा लविंग है, स्कूल का नाम है, इसको करेंगे और इसका कुछ हम फॉन्ट ये हमें कुछ अच्छा फॉन्ट लग रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे और इसका कलर चेंज कर लेंगे। थोड़ा सा फ्रेंड्स मैं चेंजेस करने वाला हूँ, ये जो मेरा नीचे वाला शेप है इसको मैं लाइट करूँगा और ऊपर वाले को डार्क कर दूंगा इस टाइप से कुछ, और इसका कलर मैं थोड़ा सा किड्स स्कूल है तो थोड़ा सा कलरफुल करने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट इसका मैं करूँगा येलो, सेकेंड पैरेट ग्रीन, देन इसका मैं करूँगा सियान, फिर यही मैं रिपीट कर दूँगा, येलो पैरेट ग्रीन और सैन, आई थिंक सही लग रहा है। फ्रेंड्स इसमें हम थोड़ा सा शेडो ऐड करेंगे, यहाँ से इसकी अपेसिटी हम 100 कर देंगे और डिस्टेंस ठीक है। इसका हम व्हाइट कर देंगे कलर और प्ले ग्रुप टू एंजॉय लर्न प्ले, इसको टेक्स्ट को हम कुछ इस टाइप से नीचे सेट कर लेंगे। इसका फॉन्ट हम चेंज कर देंगे, फॉन्ट आई थिंक सेंचुरी गोथिक, ये सही है। इसको भी वाइट कर देंगे और ये जो ABC का है इसके ऊपर कर देंगे, कुछ इस टाइप से सिलेक्ट कर लेंगे। ये सारा हम सिलेक्ट करेंगे बाहर से, इसके सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा अंदर कर लेंगे। इसके बाद हमें ऐड करना है ये एडमिशन ओपन, इसके लिए हम अलग से शेप बनाएंगे और इसका कलर हम कर देंगे मैरून। ओके, इसका आउटलाइन डन कर देंगे और इसको हम पावर क्लिप इंसर्ट कर देंगे। ओके, इसके अंदर हम इंसर्ट कर देंगे एडमिशन होते हैं, इसका फॉन्ट चेंज कर देंगे, फॉन्ट हम इसका करने वाले हैं खंड फॉन्ट का बोल्ड और इसका कलर वाइट या फिर येलो का। ओके, इसको मैं येलो कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, आप अपने जो आपको बेटर लगे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ये मेरे पास टाइमिंग का सेक्शन है और ये मैं वाइट करने वाला हूँ। इसका फॉन्ट चेंज करूंगा, इसका भी सेंट्रल गॉथिक कर दूंगा। ओके, उसके बाद इस टेक्स्ट को हम कुछ इस टाइप से यहाँ ऐड कर दूंगा।
इसको बोल्ड करके थोड़ा सा इटैलिक, कलर व्हाइट ही करने वाला हूँ। इसका भी कलर व्हाइट कर दूंगा और इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करूंगा। ओके, इसको मैं ऑरेंज करने वाला हूँ और इसका आउटलाइन कर दूंगा और इसमें मैं थोड़ा सा इसको ट्रांसपेरेंट करूंगा राइट साइड से, कुछ इस टाइप से। कॉल और इंक्वायरी, अगर आपका पेज के नीचे टेक्स्ट चला जाता है तो सिंपल हम शिफ्ट प्रेस करेंगे और कीबोर्ड में जो पेज अप का बटन होता है शिफ्ट के पास साथ पेज अप करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, और अगर पेज के अंदर करना है तो शिफ्ट पेज डाउन करेंगे तो नीचे ऊपर, ये आप कर सकते हैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एज करो 2+, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करने वाला हूं। उसके बाद एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और इस सेव टूल क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे और ये थोड़ा सा अंदर के साइड ट्रैक करके कुछ इस टाइप से कर लेंगे और नीचे वाले पॉइंट पर क्लिक करेंगे, इस टाइप से एडजस्ट कर लेंगे। ओके, इसका कलर हम येलो करेंगे, आउटलाइन इसका नन कर देंगे और इस पर डबल क्लिक करेंगे, रोटेशन वाला आ जाएगा। यहाँ से एक पॉइंट पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा इसको रोटेट कर देंगे, राइट माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और ये हमारा कॉपी हो जाएगा। और इसका कलर हम कर देंगे ऑरेंज और इसको पेज डाउन करके कंट्रोल के साथ पेज डाउन करेंगे तो एक लेयर नीचे आ जाएगा। और इसको सारा सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे कर देंगे, एडजस्ट कर लेंगे। और इसके ऊपर ये अपना एक्टिविटी ओपन एडजस्ट कर देंगे। इसका जो फॉन्ट रखने वाला हूँ टाइम्स का रखूंगा, थोड़ा सा बोल्ड कर दे रहा हूँ और इटैलिक भी। ओके, इसको वाइट करेंगे और ये यहाँ एडजस्ट करेंगे। और कुछ इस टाइप से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। इसका कलर ब्लैक ही करेंगे और यहाँ एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और ये पॉइंट लगा देंगे और इसका कलर कर देंगे मैरून, ये सही लग रहा है। इस पिक्चर्स को इस टाइप से यहाँ एडजस्ट कर देंगे।
नीचे से सारा सेलेक्ट करके इसको पेज अप कर देंगे। ओके,